बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इशरहली सदरी वयस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, वही जो हमारा मेथड है कि हम पूरा क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, मिस्टर अर्शद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को मिस्टर अर्शद फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में देखिए, आपके सामने दो ईयर्स बने हुए हैं, ठीक है। एक आपके पास ओपनिंग 1 जनवरी 2016 और दूसरा आपके पास क्लोजिंग, आपको डेटा दिया हुआ है 31 दिसंबर 2016, ठीक है। कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है, ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। कैश एट बैंक आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। डेटर्स हैं 7500 ओपनिंग एंड 8000 क्लोजिंग। इसी तरह स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग इज 45000 एंड क्लोजिंग इज 37500। फर्नीचर की अमाउंट दी हुई है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग 5000 दोनों सेम है। एंड देन क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स 15000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स 10000। ये आपको बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड 1,10,000 फ्रॉम डेटर्स। अब ये क्या है, ये आप लोगों को पता है कि हम जब क्रेडिट सेल्स फाइंड करेंगे तो हम डेटर्स के फॉर्मूला में ये पुट करेंगे। एंड पेड 75,000 टू क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया, तो ये भी क्रेडिट परचेज जब फाइंड करेंगे तो उस फार्मूला में यूज करेंगे। He paid 21,000 for wages, which includes 200 per week for himself. अच्छा, wages में से हमने drawings minus करनी है, ठीक है। और drawings वो कह रहा है 200 per week for himself है। और यहाँ पर जो question में drawings आपको दी हुई है, ये weekly दी हुई है, ठीक है। और हमें जो drawings चाहिए वो annually चाहिए। तो मेरा बेटा बताएं कितने weeks होते हैं एक साल में, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। किसको पता है कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52। किसने बताया? सर मैंने, एमन। बेटा वेरी गुड, 52 वीक्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से और ये हमारी ड्राइंग बन जाएंगी, ठीक है। एंड ही पेड 10,000 फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बहुत डिटेल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, ठीक है। द क्रेडिटर्स फिगर 75,000, ये जो क्रेडिटर्स की अमाउंट थी कैश पेड टू क्रेडिटर्स, इसकी बात कर रहे हैं। इंक्लूडिंग 2,500 फॉर गुड्स फॉर ओन यूज। अगेन आपको ड्राइंग्स दे दी, एक तो ड्राइंग्स उसने दी कैश की फॉर्म में 200 पर वीक, दूसरा उसने आपको ड्राइंग्स दी है 2,500 इन द शेप ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स फॉर ओन यूज। ओन यूज है तो ड्राइंग्स हैं, तो ये भी क्या होंगी, 75,000 में से माइनस होंगी। कैश पेड टू क्रेडिटर्स में 2,500 इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स में जाना चाहिए, तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं ही चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर। क्लोजिंग डेटा पे हम फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट एट दैट डेट, ठीक है। तो हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन अपना, चलें जी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। और सॉल्यूशन में फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट आपने मुझे देख के बतानी है बेटा। अहमद बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है क्वेश्चन नंबर 14 में, स्टॉक एंड ट्रेड के नाम से लिखा हुआ है। सर 45,000 ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। और परचेजेस जो है, कैश परचेजेस तो है नहीं क्वेश्चन में, अगेन हम चौथा पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं, कैश परचेजेस क्वेश्चन में नहीं आ रही, लेकिन क्रेडिट परचेजेस हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये वही फार्मूला, क्लोजिंग क्रेडिटर्स तो बताएं क्लोजिंग क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है, क्लोजिंग डेटा से पता चलेगा। क्लोजिंग डेटा 10,000 हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। अच्छा, कैश पेड टू क्रेडिटर्स की अमाउंट आपको दी हुई है 75,000, ऐसा ही है।
इसमें से आपने लेस करनी है। कौन सी अमाउंट लेस करनी है? 2500, वो अमाउंट जो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ की, लेकिन वो गलती से इसमें शामिल थी। ठीक है, ये एरर है, मिस्टेक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये अमाउंट लेस कर देंगे। तो बताएं अब कैश पेड टू क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी आ रही है आपको? क्रेडिटर्स पेमेंट टू क्रेडिटर्स 75,000 दी हुई थी, और सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द क्रेडिटर्स फिगर 75,000 इंक्लूड 2500 फॉर गुड्स फॉर ओन यूज। तो ये क्या है, गुड्स हैं, ड्राइंग्स हैं। तो माइनस कर दें 75,000 में से 2500 माइनस कर दें, देखें क्या आंसर आता है। जी बेटा वर्किंग करके बताएं। 75,000 माइनस 72,500। अच्छा 72,500, ठीक है। और आपने लेस करना है ओपनिंग क्रेडिटर्स, और ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 15,000 के। वालेकुम अस्सलाम। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 15,000 के। तो बेटा ये वर्किंग करके दिखाएं क्या आंसर आता है क्रेडिट परचेजेस का। 10,000 प्लस आपने करना है 72,500 एंड माइनस करने हैं 15,000। ठीक है, तो क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी, देखें क्या आंसर आ रहा है क्रेडिट परचेजेस की। 67,500। ठीक है, तो हम 67,500 की अमाउंट को पुट कर देंगे परचेजेस में। अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, हमने परचेजेस फाइंड की 67,500। ठीक है, और कैश परचेजेस में अभी ज्वाइन किया, तो आप क्या करवा रहे हैं? बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करवा रहा हूँ, और अभी हमने 14 मैंने पहले समझाया है पूरा क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा मेथड होता है, और उसके बाद हम अब सॉल्व कर रहे हैं। हमने ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लिखी है और क्रेडिट परचेजेस फाइंड किए हैं। बेटा टाइम पे आया करें, आज मैंने क्लास टाइम पे स्टार्ट कर दी थी, हर दफा मैं 5-10 मिनट इंतजार करता हूँ, आज मैंने 9:05 पे क्लास स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, ताकि आप लोग टाइम पे आया करें। अच्छा अब चलते हैं सेल्स की तरफ, ठीक है। आपको कैश सेल्स भी इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, क्रेडिट सेल्स हम फाइंड करेंगे। क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेटर्स वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट मुझे बताएं बेटा क्या है, क्लोजिंग डेटर्स 8,000। ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स 8,000 के हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के स्टार्ट में, ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव 1,10,000 फ्रॉम डेटर। ठीक है, तो 1,10,000 फ्रॉम डेटर उसने रिसीव किए, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड ओपनिंग डेटर्स आपको दिए हुए हैं 7,500 के। तो इसकी वर्किंग करें, 1,10,000 जमा 8,000 माइनस 7,500, तो देखें बेटा क्या आंसर आ रहे हैं, 1,10,500 आएगा। ठीक है, यस सर, 1,10,500। ठीक है, ये आ गए हमारे पास क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स को हम मेन स्टेटमेंट में पुट करते हैं। क्रेडिट सेल्स 1,10,500 और यही अमाउंट 110,500 हमारी क्रेडिट सेल्स बन गई। तो टोटल सेल्स हमारे पास कितनी आ गई, 1,10,500 की, क्योंकि कैश सेल्स हमें नहीं दी हुई, ठीक है, हमने क्रेडिट फाइंड की। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात है, क्लोजिंग स्टॉक आपको देखें स्टॉक एंड ट्रेड क्लोजिंग दिया होगा, ओपनिंग 45,000 था तो क्लोजिंग है 37,500। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक हम बैलेंस शीट में भी लिखते हैं, तो बेटा मैं साथ ही बैलेंस शीट में जा रहा हूँ ताकि दोनों इफेक्ट हो जाए, भूल ना जाए बाद में, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 37,500, क्लियर होगी बात। अच्छा अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते हैं और साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम पुट कर देते हैं, ठीक है। मेन हमारा काम हो चुका है, बस अब थोड़ी सी चीजें रह गई हैं। तो बैलेंस शीट आपने बनानी है क्लोजिंग डाटा से, ठीक है।
अब क्लोजिंग डाटा देखें, आपके पास कैश इन हैंड तो क्वेश्चन में है नहीं, क्लोजिंग में ठीक है। आपने अब कौन सा डाटा देखना है, आपने 31 दिसंबर 2016 का डाटा देखना है। उसने डैश डाली हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे कैश इन हैंड हमारे पास नहीं है, लेकिन कैश एट बैंक तो है ना, तो कैश एट बैंक आप देख लें, कैश एट बैंक की अमाउंट देखें 7000 दी हुई है, तो 7000 हम पुट कर देते हैं ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट क्या है, डेटर्स हैं, और डेटर्स की जो अमाउंट है इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 8000 है, हम ये भी पुट कर देते हैं विदाउट एडजस्टमेंट। हमारे पास क्वेश्चन था स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख दिया ठीक है, 37500। फिर है फर्नीचर, और फर्नीचर पे एडजस्टमेंट भी है, फर्नीचर की अमाउंट है 5000, इसमें आपने लेस करनी है इसकी डेप्रिसिएशन ठीक है। तो देखें डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट होगी, डेप्रिसिएशन आपको उसने कहा है 10%, तो 10% आ जाएगी 500। आपको मैंने बताया है कि जब भी आपने 10% कैलकुलेट करना हो तो आप क्या किया करें, सिंपल एक जीरो कम कर दिया करें ठीक है। तो जब आप 5000 में से 500 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4500 ठीक है। ये आपकी डेप्रिसिएशन भी, और क्रेडिटर्स आपके आएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स हम पुट करेंगे 10000 के। ये तो सारी इंफॉर्मेशन हो गई जो के ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी क्लोजिंग साइड पर ठीक है। अब आपने याद रखना है, आपको कैपिटल कहीं भी नहीं नजर आया, आपने कैपिटल की अमाउंट भी फाइंड करनी है। नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट से, और ड्राइंग्स हमें पता है ठीक है। तो ड्राइंग्स की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन अगेन रीड करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड 110,000 फ्रॉम डेटर्स एंड पेड 75,000 टू क्रेडिटर्स, दोनों के इफेक्ट हमने कर दिए। ही पेड 21,000 फॉर वेजेस, अब वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम जाते हैं अपनी स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ हम हेडिंग देते हैं वेजेस की ठीक है। उसने वेजेस पे किए, कितनी वेजेस उसने पे की, देखिए 21,000 उसने पे किया ठीक है, तो 21,000 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा, क्योंकि इसमें से आप लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, ड्राइंग्स, क्योंकि ये जो ड्राइंग्स की अमाउंट है ये वेजेस में नहीं शामिल होनी चाहिए, ये बैलेंस शीट में जानी चाहिए। और उसने आपको कहा, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया वो सुन लें, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं ही विड्रॉ 200 पर वीक एंड देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, तो आप 200 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी बेटा मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर आ रहे हैं, ताकि हम ड्राइंग्स की अमाउंट निकाल लें। टू हंड्रेड पर वीक है, 200 मल्टीप्लाई बाय 52, हम पूरे साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सॉरी 400, तो आप इसमें से ड्राइंग्स माइनस कर देंगे 21,000 में से 10400, तो फाइनल अमाउंट देखें 21,000 में से जब आप 10400 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10600 ठीक कह रहा हूँ मैं, यही आंसर आ रहा है 10600 जी सर, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा उसके बाद आपको, और ये ड्राइंग्स हम लिखेंगे ठीक है नीचे जाकर बैलेंस शीट में। फिर वो कह रहे हैं ही पेड 10,000 फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितने उसने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए 10,000 के। फिर एक और चीज जो हमने बैलेंस शीट में कैलकुलेट की वो थी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो दो ही तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एक है सन्ड्री एक्सपेंसेस और दूसरा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा यहाँ तक हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई, अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट पे जाकर हम ड्राइंग्स पुट करते हैं ठीक है। नेट प्रॉफिट आ जाएगा, अब ड्राइंग्स ही मैं जरा वर्किंग करने लगा हूँ। एक वेजेस की ड्राइंग्स थी 10400,
ठीक है। दूसरी ड्राइंग बेटा उसने आपको दी हुई है 2500, ठीक है। दूसरी ड्राइंग क्या दी हुई है, दूसरी ड्राइंग आपको दी हुई है 2500 इन द शेप ऑफ गुड्स, जहां लिखा हुआ ना द क्रेडिटर्स फिगर 7500 इंक्लूड 2500 फॉर गुड्स फॉर ओन यूज, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ड्राइंग्स। तो अब टोटल ड्राइंग्स आप बताएं कितनी होगी, टोटल ड्राइंग्स आपने कैलकुलेट करनी है। एक वेजेस में जो एड थी वो हमने यहाँ लिख दी, दूसरी वो ड्राइंग्स हैं जो उसने गुड्स की फॉर्म में की हैं। तो टोटल ड्राइंग्स दोनों को आप ऐड करें और बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। 1,2900 जी बेटा, एक मिनट में देखता हूँ। 12,900 ठीक है। नो सर, 12,900 जी सर, यही बेटा 12,900 ही हुआ ना, जी जी सर। तो आपने इसको माइनस करना है कहाँ से, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ठीक है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है। तो हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं और फिर बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आप देखें सेल्स वाली साइड जो है वो 110,500 और 37,500, सेल्स वाली क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है। तो दोनों को आप ऐड करें, ठीक है। 110,500 प्लस 37,500 देखिए क्या आंसर आ रहे हैं। 148,000 ठीक है। तो 148,000 हम इसको दोनों तरफ लिखेंगे और 148,000 में से बाकी तमाम अमाउंट हम माइनस करेंगे, 45,000, 67,500 एंड 10,600। जो आंसर आएगा उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। तो बेटा माइनस करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, देखें ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या आ रहा है। 24,900 ठीक हो गया। और यही ग्रॉस प्रॉफिट आपने ब्रॉड डाउन कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 24,900। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी इनडायरेक्ट इनकम नहीं दी हुई, तो 24,900 टोटल आएगा दोनों तरफ। और आप क्या करेंगे, 10,000 और 500, 10,500 माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखें नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, 24,900 में से 10,000 माइनस किया तो 14,900 और 500 माइनस करेंगे तो 14,400 बेटा आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 14,400 अब 14,400 नेट प्रॉफिट आ गया। बैलेंस शीट पे चलते हैं, अपनी बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट हम पुट कर देते हैं। बैलेंस शीट आपके सामने है, बैलेंस शीट में हमने नेट प्रॉफिट पुट कर दिया, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात आप देखें कि इस क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, वो है कैपिटल। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, आपने कैपिटल फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, वर्किंग करते हैं बेटा, ये वर्किंग जरा आपने गौर से समझनी है, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो सबको पता है ना, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अच्छा बेटा ये जो भी कर रहे हैं ये जरा स्क्रीन के ऊपर लाइनें लगाना खत्म करें, ठीक है, अच्छी बात नहीं है। मैं लिख रहा हूँ तो मुझे लिखने दें, जब आपकी बारी आएगी हम आपका पेपर लेंगे तो उस टाइम आप लिखना, ठीक है, फिर पता चलेगा कि आपको चीजें याद हैं या नहीं। अच्छा अब आपने क्या करना है, एसेट साइड का टोटल करना है। ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुने। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से मैं अपनी बैलेंस शीट को इक्वल करूंगा।
आप अगर एसेट साइड का टोटल करें, क्योंकि एसेट साइड की इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट पता है, लेकिन लायबिलिटी साइड की कंप्लीट नहीं पता। लायबिलिटी साइड की एक इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है, वो क्या है? कैपिटल। तो आपने कैपिटल फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें एसेट्स टोटल कितने बन रहे हैं, मुझे एसेट साइड का टोटल करके बताएं आप लोग। अब आपको पता है, मैं यहाँ भी साथ आपको पुट करके बताऊं कि एसेट्स 57,000 के हैं, ये इक्वल होने चाहिए किसके? लायबिलिटीज और कैपिटल के। अब देखिए 57,000 मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, ऐसे ही है। अब लायबिलिटीज जो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, वो दी हुई है क्रेडिटर्स 10,000 की, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कैपिटल की अमाउंट जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 47,000। लेकिन हम 47,000 ये पुट नहीं कर सकते, हम 47,000 को आउटर कॉलम में पुट करेंगे। अब देखिए जब 47,000 आउटर कॉलम में पुट किया तो ये कैपिटल फिलहाल आ गया क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग। यानी अगर 47,000 प्लस 10,000 आप करते हैं तो 57,000 आंसर आ रहा है। आपने कौन सी फिगर फाइंड करनी है? आपने ये वाला कैपिटल फाइंड करना है जिसे हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे फाइंड होगा? आपकी रिवर्स कैलकुलेशन से। रिवर्स कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? 47,000 की अमाउंट है, हम ड्राइंग्स माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं ना। तो मैं जरा यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, ये 47,000 है, आपने इसमें ड्राइंग्स ऐड कर देनी है। क्या करना है? ड्राइंग्स ऐड करनी है। जब आप ड्राइंग्स ऐड करेंगे 12,900 और नेट प्रॉफिट पॉजिटिव साइन के साथ है तो नेट प्रॉफिट माइनस करें 14,400। तो देखें आंसर क्या आ रहा है। आपने 47,000 में से नेट प्रॉफिट माइनस करना है और ड्राइंग्स ऐड करनी है। पहले वर्किंग कर लें, मैं फिर आपको डिटेल में ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो देखें ओपनिंग कैपिटल क्या आ रहा है, 45,500। हमने ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट फाइंड कर ली। अब देखो जब मैं 45,500 यहाँ पुट करूंगा और अपनी वर्किंग को डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 47,000 आना चाहिए। अब ये देखें 45,500 प्लस 14,400 आप लोग ऐड करें और माइनस ड्राइंग करें 12,900, तो आपका फाइनल आंसर 47,000 आउटर कॉलम में आएगा। बेटा ये वर्किंग हमने इसलिए की है क्योंकि हमें कैपिटल नहीं गिवन था। अगर हमें कैपिटल गिवन होता तो हमारी बैलेंस शीट खुद ही इक्वल आ जाती। यहाँ पर हमने बैलेंस शीट को इक्वल किया है। कैसे इक्वल किया है? रिवर्स कैलकुलेशन करके। रिवर्स कैलकुलेशन में आपने क्या करना है एक दफा फिर सुन लें। 57,000 में से आप 10,000 माइनस करेंगे, ये जो क्रेडिटर्स की अमाउंट है, तो आउटर कॉलम की अमाउंट आएगी 47,000, ठीक है। अब रिवर्स कैलकुलेशन में एक बात याद रखना है, पॉजिटिव साइन जो होते हैं उनको हम नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देते हैं, यानी कि प्लस को माइनस कंसीडर करते हैं और माइनस को प्लस कंसीडर करते हैं। 57,000 में से जब मैंने 10,000 माइनस किया, हालांकि क्रेडिटर्स के साथ साइन पॉजिटिव का है, तो मैंने क्या किया? रिवर्स कैलकुलेशन में माइनस किया, तो माइनस करके आंसर आ गया 47। अब जब वापस इसको 10,000 ऐड करें तो 57 आ गया, ठीक है। अब 47,000 पे मैं पहुंच गया। अब 47,000 से रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, ड्राइंग्स लेस हो रही है, इसको 47,000 में मैंने ऐड किया, ठीक है, ड्राइंग्स को 47,000 में मैंने ऐड किया और नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा है जिसको मैंने माइनस किया। जब रिवर्स कैलकुलेशन की तो आंसर आ गया 45,500। अब 45,500 को हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आ जाता है नेट प्रॉफिट, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल, और उसमें हम जब क्रेडिटर्स ऐड करेंगे तो फाइनल बैलेंस शीट बन जाएगी। बेटा ये क्वेश्चन यहाँ तक, अगर कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपकी असाइनमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 15 मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि जितने क्वेश्चन हमने किए हैं सेम उसी तरह ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इज योर असाइनमेंट।
एंड लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज योर असाइनमेंट। सर आप ये अपलोड करेंगे यूट्यूब पे जो आपने आज समझाया? जी बेटा अपलोड होगा, ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज ही अपलोड हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आप मैं डेली बेसिस पे जो भी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ अपलोड कर, ठीक है। इससे पहले तमाम पिक्चर्स अपलोडेड हैं। क्वेश्चन 15 की पिक्चर सेंड कर सकते हैं? जी बेटा मैं कर दूंगा सेंड, ठीक है। 15 की भी कर दूंगा, 16 की भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। चलो बेटा कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो मैं वाइंड अप करने लगा हूँ क्लास। आप लोग नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप लोग, एक मिनट है आपके पास, एक दो मिनट देख लें, कुछ पूछना है तो पूछ लें। ठीक है बेटा, ख्याल रखें अपना, क्लास साइन ऑफ करते हैं, ठीक है। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।